हरि ओम भद्रं कर्णीभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाग्रजजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाघुंसस्तनुभिर्व्यसेमहिदेवहितं जयायुः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी श्रोताओं को सप्रेम वंदन अभिवादन करता हूं। और आज हम इस बहुत बड़े आकाशीय मंडल में घटने वाली घटना है उसके विषय में बात करेंगे। बहुत कुछ मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं और इस ग्रहण के विषय में जो कि 25 अक्टूबर 2022 शाम को है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है और जनता जो है, बहुत से सज्जन बहुत परेशान हैं, भ्रांत हैं, श्रांत हैं और भय की स्थिति में है, डरे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा। वास्तव में हम इस आकाशीय घटना को देखते हैं विज्ञान के तरीके से, ज्योतिष के तरीके से, ज्योतिष विज्ञान के तरीके से और अध्यात्म के तरीके ढंग से भी हम देखते हैं, इस पर विचार करते हैं। और अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य जिन दिनों में अपनी नीच राशि तुला पर चल रहा है वैसे ही कमजोर है, क्षीण है और उसी ही समय में ग्रहण काल होगा, ग्रहण लगेगा, राहु ग्रसेगा सूर्य को। तो ग्रहण का वास्तव में प्रभाव तो विशेष ही होगा क्योंकि सूर्य सौर मंडल का राजा ग्रह है, मुख्य ग्रह है, आत्मकारक आत्मबल का कारक माना गया है, आत्मा का तारक सूर्य है। और वैसे भी हम सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सब जानते हैं। किसी भी दृष्टि से विचार करें और अगर भारतीय ज्योतिष के अनुसार सिद्धांत देखा जाए तो यही है कि सूर्य जब कमजोर होगा तो प्राणी मात्र को भी, और जहां जहां इसकी छाया पड़ेगी ग्रहण की वहां वहां लाभ तो नहीं देगा, कुछ घटनाक्रम तो घटेगा। और इसके दुष्प्रभाव के बारे में सभी जानते हैं, सब बता भी रहे हैं। अब अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए, आप सुन रहे हैं और देखते भी हैं कि अलग अलग राशि पर इसका वास्तव में अलग अलग असर होगा, प्रभाव पड़ेगा अलग अलग। अब राशियां कई प्रकार की हैं, नाम राशि है, जन्म राशि है, कोई जन्म तारीख से राशि देखता है सूर्य मत से, कोई चंद्र राशि देख रहा है, कोई जन्म पत्री की राशि देख रहा है। तो एक तो यहीं पर मनुष्य उलझ जाता है, दूसरा राशि का प्रभाव तो अलग होगा लेकिन उससे भी अधिक प्रभाव जो पड़ता है वो जन्म लग्न से सूर्य किस स्थान में है इस बात का प्रभाव पड़ेगा ना। किसी के लिए धन का है तो किसी के लिए स्वास्थ्य का है, किसी के लिए पराक्रम का है, किसी के माता पिता का है, किसी के संतान का है, रोगों पर, पति पत्नी के संबंधों पर, या आयु के विषय में, धर्म के विषय में, आय के विषय में, व्यय के विषय में अनेक बातें निकल के आएंगी। और हम कौन क्या करे, कैसे करे, उलझ ही रहे हैं अधिकतर लोग, मैं देख रहा हूं। तो ये बड़ी समस्या है। या तो एक एक अपने जन्म पत्री के अनुसार अपने लिए ग्रहण का फल जाने, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है भी नहीं, क्योंकि इसका
जो प्रभाव है ग्रहण का, केवल मनुष्य मात्र पे नहीं पड़ने वाला, जीव मात्र पे, वनस्पति पे, वनस्पतियों पे, और भी बाकी के जो तत्व हैं, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश है, सब पर और अन्य ग्रहों पर भी पड़ने वाला है, पूरे वातावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा, पूरे जीव प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ना है। तो हम इस समय में तलाश रहे हैं एक साधन को, एक सरल सा उपाय जिसका किसी को नुकसान नहीं बल्कि सबके लिए लाभदायक है। भारतीय ज्योतिष में वही ग्रह नुकसान देता है, आप समझ लें कि जो किसी भी कारण से कमजोर है, क्षीण है, निर्बल है, चाहे वो किसी राशि में जाने के कारण, किसी शत्रु राशि में या नीच राशि में जाने के कारण है, या किसी कुभाव में जाने के कारण है, छठे आठवें बारहवें इत्यादि, या अंशों में कमजोर होने के कारण, या बहुत अधिक अंश होने के कारण, कई प्रकार के बल हैं, किसी भी प्रकार से बलहीन हो, तो वही ग्रह नुकसान देता है। फिर अगर बलवान होगा ग्रह तो वो नुकसान देगा ही नहीं। ये तो ज्योतिष की दृष्टि से यदि हम कुछ उपायों के द्वारा सूर्य को बलवान करते हैं, बलवान करने का प्रयत्न करते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उपाय भी ऐसा हो कि जिससे दुष्प्रभाव तो ना पड़े लेकिन शुभ फल मिले, और जिसके लिए पहले ही अच्छा है, अच्छा प्रभाव डाल रहा है, तो और अच्छा हो जाए। और अध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, पूजा पाठ की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें वो कथा याद आती है समुद्र मंथन के बाद की, वो घटना जब राहु अमृत का पान करने के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था, और सूर्य चंद्र के इशारे पर भगवान ने उस छली का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया था। तब से वो बार बार राहु जो है सूर्य या चंद्रमा को ग्रसित करता है, और इससे सूर्य कमजोर होता है। तो अब सूर्य भगवान जो है वो कमजोर हो रहे हैं। अगर इस दृष्टि से देखें तब भी हमें एक ऐसा उपाय करना है जिससे उनको बल मिले, ऐसा समाधान जिससे सूर्य बलवान हो और हमें पूरे समाज को, जीव प्रकृति को उन्नति प्रदान करे, सुख प्रदान करे, सबके लिए शुभ हो। क्योंकि ग्रह बलवान होगा तभी सबका भला होगा। तो सबसे अच्छा उपाय और भक्ति की दृष्टि से भी देखा जाए तब भी ये हमें ग्रहण काल में एक अवसर प्राप्त हुआ है, जब हम सूर्य को अपने तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, आहुतियों के द्वारा उनको बलवान करें, उनकी सहायता करें। इससे यज्ञ जो है या हवन जो है, साधारण हवन भी जो सूर्य के मंत्रों से किया जाएगा, उससे सूर्य बलवान होगा। तो सबसे अच्छा तो यह है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार हर कोई इस ग्रहण काल में सूर्य का, सूर्य के बीज मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से यज्ञ करें, जिससे कि इस ग्रहण का दुष्प्रभाव जो है जीव प्रकृति पर ना पड़ सके। दूसरे जो यज्ञ हवन नहीं कर सकते उनके लिए भी बड़ा सरल सा उपाय है कि एक शुद्ध घी की ज्योत जला करके बैठ जाएं और भगवान सूर्य के बीज मंत्र का अथवा वैदिक मंत्र का पूरे ग्रहण काल में जप करें, जिससे कि सूर्य को बल मिलेगा, सूर्य से हमें बल मिलेगा, और अध्यात्म की दृष्टि से सूर्य की सहायता होगी। और देवता तो वही है जो देते हैं, यह ददाति सैव देवता, और कई गुणा करके देते हैं। तो जो हम सूर्य के लिए करेंगे ये हमारा कर्तव्य भी है कि सूर्य हमें जीवन देता है,
यश देता है, हमारी आत्मा को बल देता है, तो उसके लिए हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए हम सूर्य भगवान के लिए प्रार्थना करें, हो सके तो उनके स्तोत्रों का पाठ करें, नहीं तो एक देसी घी की या शुद्ध किसी खोपे के तेल की, नारियल के तेल की या अन्य मूंगफली के तेल की भी हम जोत जला करके बैठ सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ देसी गाय का अगर घी मिल जाए तो उसकी जोत जला कर बैठे और भगवान सूर्य के बीज मंत्र का जप करें। ये सूर्य के बीज मंत्र का जप जो है शुद्ध उच्चारण कैसे हो, शुद्ध मंत्र आप सुन पाए, और सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है उसका लिंक भी हम अपने इस वीडियो में दे रहे हैं, अगर किसी को ज्ञात नहीं है तो यहाँ से सुन सकता है, सुनने का भी महत्व है और सुनकर वो याद भी हो जाता है, बड़ा आसान है। तो सूर्य की उपासना करें, कृतज्ञ बने सूर्य के प्रति, और ज्योतिष की दृष्टि से भी सभी चिंताओं से मुक्त होकर के कोई श्रांत होने की, भ्रांत होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस अवसर को शुभ अवसर में बदलें। हमारा ये 2 घंटे का लगभग जो ग्रहण है, अलग अलग जगह कुछ समय में है, अगर कोई ज्यादा पूछना चाहे, वैसे तो पंचांग में लिखा हुआ है, लेकिन तो सभी बता रहे हैं किस समय जगह कितनी देर का ग्रहण है, तो इतने समय को अपने जीवन का श्रेष्ठ समय बनाएं और सूर्य भगवान की आराधना करें, और हम सबकी हमारी जो है आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आपके लिए ये ग्रहण खुशियां ही लेकर के आए। सूर्य भगवान आपके जप से तप से और ज्यादा बलवान हो और पूरे विश्व को जो है सुख प्रदान करें, उनका आशीर्वाद बना रहे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।